ओए ग्रीनल, तू कितना ज्यादा गरीब है। तू जब देखो जब पैदल ही घूम सकता है। मैं देख कितनी सारी गाड़ियों में घूमता हूँ। अरे नहीं, मैं गरीब नहीं हूँ, मुझे भी गाड़ी मिलेगी। ओए कब मिलेगी कोई गाड़ी? ओए मेरे पास पता है कौन कौन सी गाड़ी है? मेरे पास एक गाड़ी है जिसमें से निकलती आग, पर वो आग मेरे को कुछ करती नहीं है। मेरे को क्या, वो किसी को कुछ नहीं करती। और भी मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां है, और मेरे पास एक बाइक भी है जो निकलती है खून। इतना मस्त मस्त खून है, उसको पीने में तो मजा ही आ जाता है। अरे क्या तुम खून पीते हो क्या? अरे हाँ, बहुत ज्यादा मजा आता है खून पीने में। मैं वैसे गरीबों से बात तो कभी करता नहीं हूँ, पर कभी कभी कर लेता हूँ, जैसे कि तेरे से अभी कर रहा हूँ। अरे मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ओए तो कहाँ है गाड़ियाँ बता दे। अरे वो एवेंजर्स हाउस में हमारे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, पर हम उसको छुपा के रखते हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ओए मेरे को कौन सा तेरे से बात करनी है, अबे निकल जाए ऐसे गरीब। मैं गरीबों से वैसे भी बात नहीं करता। अरे मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे इसके पास नहीं लेना। मैं जा रहा हूँ एवेंजर्स के पास, मुझे इसके पास नहीं लेना। ये मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। हल्क के पास गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, मैं एवेंजर से गाड़ी मांगूंगा। अरे सुनो सुनो मेरी बात। अरे हल्क क्या हो गया यार? अरे सुनो, मुझे चाहिए एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी, क्योंकि रेड हल्क के पास एक गाड़ी है जिसमें से आग निकलती है, एक गाड़ी है जिसमें से खून निकलता है, और एक और गाड़ी है वो उसकी पर्सनल गाड़ी है, वो तो और भी खतरनाक है। मुझे भी गाड़ी चाहिए। अरे पल हमारे पास पैसे तो ना, हम गाड़ी खरीद पाए। अरे हाँ तुम सही कह रहे हो, हमारे पास पैसे नहीं है। अरे यार हल्क यार, तुम रेड हल्क की बातें मत सुना करो यार, वो ऐसा ही है, तुम्हें भड़काने के लिए बहुत चीजें करता है। हल्को कुछ नहीं पता, हल्को गाड़ी चाहिए, वरना मैं तुम सबके घर तोड़ दूंगा। अरे हल्क मेरी बात सुनो यार, गाड़ी वाड़ी से कुछ नहीं होता यार, तुम्हें ताकतवर होना पड़ेगा। अरे मुझे ताकतवर नहीं होना, मुझे अमीर बनना है। मुझे गाड़ी चाहिए, तुम मुझे गाड़ी ला के दो। अरे इसको गाड़ी लेके आ देते, वरना ये हमारे घर वर तोड़ देगा। अरे पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। और एक सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया है, अगर इसको गाड़ी चाहिए तो क्यों ना हम उस रेड हल्क की चुरा के गाड़ी इसको दे दे, ना हमारे पैसे लगेंगे और इसको गाड़ी भी मिल जाएगी। अरे तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, मेरे पास एक आइडिया है। मैं दुनिया के सबसे प्रोफेशनल चोर को फोन करता हूँ, वो हमारा काम जरूर करेगा। अरे इसको फोन लगाता हूँ। हेलो फ्रैंकलिन, फटाफट से मेरे घर पे आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हल्क तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी। अरे वाह, हल्क को गाड़ी मिलेगी, हल्क को गाड़ी मिलेगी। A few moments later. अरे यार ये आयरन मैन नहीं, पता नहीं मुझे क्यों बुला ले। चलो उसके घर पे तो आ गए, चलो देखते क्या काम है। उसने बोला कोई जरूरी काम है, तो फटाफट चलते आयरन मैन के पास, देखते उसको क्या काम है। इतने दिनों बाद वैसे इसके घर पे आया हूँ मैं, चलो फटाफट से चलते इनके पास क्या काम है। और सबके सब हमें सामने खड़े। अरे भाई कैसे हो भाई, सबके सब मैं आगे देखो। अरे फ्रैंकलिन तुम्हें एक बहुत ही बड़ा काम करना है, मैं तुम्हें पूरा का पूरा समझाया था तुम्हें क्या करना है। तुम्हें करनी है चोरी। अच्छा ये कर रहा है मुझे, कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। अभी ये यार सारी सारी गाड़ियां उसकी चुरा के आता हूँ। रेड हल्क की तो एक बड़ी तोप है कि बता, बस मारेगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, मेरे को बचाने आ जाना। अभी चलते फटाफट से। तो गाइस अभी भी उन्होंने मुझे को पूरा का पूरा प्लान समझा दिया मुझे क्या करना है। मुझे चुरानी है रेड हल्क की कार, तो अभी हम जाने वाले हैं। रेड हल्क की कार चुराने वाले हैं, और उसकी बाइक भी चुराने वाले हैं, और उसकी पर्सनल कार भी चुराने वाले हैं, और जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अभी फटाफट से चलते। तो गाइस यार आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, हमें 4 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके, और मुझे यार उन्होंने बताया था यहीं पे कहीं पे वो कार मिलने वाली, तो यहाँ पे मैं ढूंढ तो रहा पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लेक है, मस्त है, यहाँ पे एक ब्रिज भी है, यहीं पे कहीं पे वो कार होनी चाहिए, पर मुझे अभी तक दिख नहीं रही। मुझे इसको ढंग से बिल्कुल ढूंढना पड़ेगा, मुझे कैसे भी करके उनको सारी सारी कार्स को लेके जाना है और हल्क को देना है, ताकि यार आराम से मजे करें। एक काम करते अपनी स्नाइपर से ढूंढते हैं, यहीं पे कम पे होनी चाहिए। एक सेकंड लगता है मुझे मिल गई, और भाई तो आग भी लग रही है मुझे। और भाई लगता है मुझे यही कार होगी, उसने बोला था कोई स्पेशल कार है, ये आग लग रही है इस कार पे तो ये स्पेशल ही होगी। तो एक काम करते फटाफट अपने मस्त से स्टंट करके दिखाते हैं और चलते हैं यहाँ से सीधा ऊपर, और हम ये ऊपर आ चुके हैं। और यार अपनी गाड़ी यार ये बाइक है पार्क पे लगाते हैं, उसकी गाड़ी की तरफ चलते हैं। अबे इसके तो चारों तरफ आग लग रही है, अबे मैं इसके अंदर जाऊंगा कैसे, मतलब ये गाड़ी के अंदर बैठू कैसे। अबे इसके देखो इसे रिंग निकल रही भाई आग की, अबे इसके अंदर कैसे जाऊं, अगर मैं आग में गया पता चले मैं जल जाऊं, इधर ही मर जाऊंगा, ये मिशन इधर ही खत्म हो जाएगा, मैं गाड़ी नहीं चुरा पाऊंगा और ऊपर से मैं मर भी जाऊंगा। अरे क्या करूं क्या करूं, चलो यार चलना तो पड़ेगा, इसके अंदर सीधा कूद जाते हैं। अरे नहीं डर लग रहा है मुझे, क्या करूं क्या करूं, क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा। चलो कूदना ही पड़ेगा वरना हल्क मारेगा। फटाफट से जाके लाइक कर दो, मुझे कुछ होना नहीं चाहिए, और बैठो बैठो जल्दी बैठो। अरे भाई मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे भाई साहब ये तो बहुत ही खतरनाक गाड़ी है, अब मैं आग में गया पर मुझे कुछ हुआ ही नहीं, अभी कैसे हो सकता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने इसका हैंड ब्रेक तो नीचे कर दिया और ये सीधा नीचे की तरफ जा रही है। अरे गिरना मत, फटना मत, गिरना मत, इसके ऊपर पहले से आग लग रही है। गाइस हम पानी के अंदर आ चुके,
चुके, पर ये आग अभी भी नहीं बुझ रही। भाई साहब ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, मतलब जो आग है ना वो पानी के अंदर भी नहीं बुझ रही। सोचो कितनी ज्यादा तगड़ी कार है। तो हमने पहली कार तो चुरा ली है और हमें यहाँ रेड आइल तो मिला नहीं। ग्रीन आइल ने बोला था कि वो अपनी पर्सनल कार में रहता है हमेशा, तो हमें आज उसकी पर्सनल वाली कार भी चुरानी, बहुत मजा आएगा। तो अभी मैं ये वाली गाड़ी तो यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, फटाफट से यहाँ पे इसकी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। एवेंजर्स हाउस में हमने यार बेसमेंट में गाड़ी खड़ी कर दी है, यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलने वाला। और मैं एवेंजर्स को भी जाके बोल दूंगा कि इस गाड़ी का यार कलर चेंज करवा दे ताकि किसी को पता नहीं चले। तो अभी हम निकल चुके अपनी अगली कार खोजने, बाइक खोजने। मेरे पास है दो लोकेशन, अब उन दोनों लोकेशन में से एक में पर्सनल कार है और एक में एक बाइक है। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये लोकेशन जो भी होगी यहाँ पे जो भी मिलेगा उसको हम चुराने वाले। अगर पर्सनल कार ये हुई तो यहाँ पे हमें रेड हल्क भी मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे ढूंढते, ये है रेड हल्क का एक पुराना वाला घर, यहाँ पे हम देखने आए उसकी कार और ये बाइक जो भी मिलेगा हमें। और ये आंटी यहाँ पे खड़ी, आंटी को पहले मार देते वरना इनको पता चल जाएगा। अरे भाई साहब कार बाइक कहाँ है रेड हल्क की, इसको भी मार ही देते, ये कुछ बताने वाला नहीं है। यहाँ पे रेड हल्क तो है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि यार रेड हल्क इतना पागल है कि वो है ना ओपन में अपनी गाड़ी छोड़ के चला जाएगा, मतलब जो उसकी बाइक है ना वो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसकी जो कार है वो तो यार रेड हल्क के पास ही है। एक सेकेंड, वो क्या चीज है, अबे ये क्या, अबे ये बाइक, अबे बाइक मिल गई मुझे। अरे भाई क्या ही जगह छुपाई है उसने, लाइट हाउस के वहाँ पे छुपाई, इसके घर से कितना दूर है। हम यहाँ से अपनी गाड़ी खुदा के सीधा जाने वाले हैं लाइट हाउस में, तो बहुत मजा आएगा। और यहाँ से खुदाते हैं और हमसे बिल्कुल ढंग से लैंड करना, हम यहाँ पे बिल्कुल, अरे यार गिर गया मैं। अरे भाई बच गया, मेरी यहाँ पे गाड़ी भी सलामत है और वो वाली गाड़ी भी बिल्कुल तगड़ी लग रही है। अरे भाई साहब ये क्या ही बाइक है, इसमें से अंदर क्या खून निकल रहा है। अरे भाई ये सच बताया था रीडल ने, मुझे लगा झूठ बोल रहा है, पर इसमें तो सही में यार खून निकल रहा है। इसको भी खुदाते और लेके चलते रोड पे, और यहाँ से हमने ये गाड़ी खुदा ली है और बिल्कुल आराम से हमको बिल्कुल ढंग से लैंड करना है। इस गाड़ी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसमें तो बस खून निकले जा रहे हैं, पूरे शरीर के ऊपर मेरे खून खून होए जा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, इसको हम लेके जाने वाले एवेंजर्स हाउस। हमने चुरा ली है रेड हल्क की एक बाइक, अब सिर्फ उसकी पर्सनल कार बची, और अगर पर्सनल कार है तो वही वहां पे हमें रेड हल्क भी मिल सकता है। तो अभी हम एवेंजर्स हाउस तो आ चुके, फटाफट इस गाड़ी को सीधा अंदर डालने वाले, और यहाँ पे सारे सारे एवेंजर्स अभी भी खड़े ही है। तो अभी मुझे ग्रीन हल्क का फोन आया था कि वहां पे रेड हल्क कन्फर्म मिलने वाला है, जहाँ पे वो कार है उसकी पर्सनल वाली। अरे भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बाइक है, ये बाइक मुझे चाहिए थी, वो मुझे चुरा रहा था, अब उसकी बाइक मेरी हो चुकी है। फ्रैंकलिन अब मेरी बात सुनो, जो उसकी पर्सनल वाली गाड़ी है हमें उसे चुराना पड़ेगा, यानी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो गाइस यार अभी हमारे साथ ग्रीन हल्क भी चलने वाले, क्योंकि यार वहां पे हमें रेड हल्क तो कंफर्म मिलने वाला है, तो यार वहां पे कोई लड़ने के लिए मेरे साथ होना चाहिए, इसलिए मेरे साथ चल रहा है ग्रीन हल्क, तो बहुत मजा आएगा अब तो। तो अभी मैं और ग्रीन हल्क निकल चुके हैं सीधा रेड हल्क के पास उसकी यार पर्सनल वाली गाड़ी चुराने, और उसको बहुत ज्यादा पीटने, मतलब ग्रीन हल्क पीटेगा और मैं गाड़ी चुराऊंगा। तो अभी फटाफट से चलते हैं उसके पास, ग्रीन हल्क हमारे पीछे बैठ चुका, अभी यहाँ से अपन चलते हैं। अरे ग्रीन हल्क कहाँ चिल्का गया, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी अगली लोकेशन, मतलब अपनी जो लास्ट लोकेशन है, यहाँ पे कहीं पे वो रेड हल्क मिलने वाला है, उसकी पर्सनल कार भी मिलने वाली है। और एक सेकंड, अरे फ्रैंकलिन क्या हो गया, अरे मुझे रेड हल्क थी क्या, अरे क्या उसको तो मैं नहीं चढ़ूंगा। अरे रुक जा पहले मुझे देखने दे, तो रुक जा, तो देर रुकियो। ओए मुझे तो मम्मी ने बुलाया था, ओए मैं तो भूल ही गया, मम्मी आ रहा हूं मैं। तो यार अभी यार रेड हल्क यहां से जा चुके, पता नहीं क्यों चला गया, ये बहुत ही बढ़िया मौका है हमसे इसकी गाड़ी चुराने का। इसकी गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसमें से धुएं क्यों निकल रहे हैं। अबे नहीं, अबे भाई तो धुएं का ऑप्शन है इसमें, और भाई क्या ही धुएं निकल रहे हैं। ग्रीन हल्क जल्दी बैठा, मैं यहां से निकलना होगा। अरे हाँ चलते। ओए कहां जा रहे लो, ओए मेरी गाड़ी कौन चुरा रहा है। अरे भाई जल्दी बैठ। अरे तुम जाओ, मैं इसको मार के आता हूँ, निकलो ऐसे फ्रैंकलिन। अरे पक्का जाऊं ना मैं। अरे हाँ जाओ। तो गाइस सर अभी हम यहां से निकल चुके हैं, इसकी गाड़ी तो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। तो अभी मैं तो यहां से निकल चुका हूं, ग्रीन हल्क यार वहीं पे रह चुका है, वो यार रेड हल्क से लड़ने वाला है, वरना रेड हल्क हमारे पीछे आएगा और वो गाड़ी भी छीन लेगा। तो अभी अपन चलते सीधा एवेंजर्स हाउस। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैंने तेरी सारी गाड़ी चुरा ली, अब तू भी गरीब हो चुका है। ओए तूने ऐसा क्यों किया। अरे तू मुझे चुरा रहा था इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, अब वो सारी गाड़ी मेरी हो चुकी है। अरे मुझे मारेगा, अब बहुत ज्यादा मुझको गुस्सा आ रहा है, आज या तो तू बचेगा या तो मैं बचूंगा। ओए इसका मतलब मैं बच जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे बचेगा, मैं तुझे बहुत मारने वाला हूँ। ओए तू मेरे से कभी भी नहीं बचने वाला, अभी देखते को बताता हूँ मैं, तू हर बार मेरे से पिटता हुआ है और आज भी पिटेगा। अरे देखते आज तो कौन पिटता है। ये ले आया मजा, आज मुझे बहुत गुस्सा है, तूने मुझे बहुत गरीब बोल दिया, अब तू पिटेगा। ये ले एक और हल्क स्मैश। ओए मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। अरे ये कहाँ गया बिद्दी, ये ले बिद्दी आया मजा। ओ ये ले ओए। अरे 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 ये क्या हो गया, पूरी ट्रेन पलटा दी, तेरी वजह से पूरी ट्रेन खराब हो गई। तू हमेशा बुराई का साथ देता है और मैं अच्छाई का, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, ट्रेन पटक के मारूंगा।
ये ले आया मजा, ओए ये ले ओए आया मजा तुझे भी। अरे मुझे मजा नहीं आया, तुझे मजा आने वाला है जब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ओए नहीं होए, ये ले आया मजा, हमारी दुश्मनी हो गई खत्म और तेरी सारी सारी गाड़ियां हो चुकी मेरी, मर के कैसा लगा। तो गाइस यार मैं तो हो चुका बहुत ही ज्यादा खुश क्योंकि मुझे मिल चुकी एक नई बाइक। यार ग्रीन हिल ने मुझे ये बाइक गिफ्ट कर दी जो कि हमने रेड हिल से चुराई थी। इतनी बढ़िया गाड़ी, इसमें से खून निकले जा रहे और बहुत ही ज्यादा बढ़िया बाइक है, बहुत ही ज्यादा तेज भी चलती है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इसको चलाने में। रेड हिल भी हो चुका है खत्म। तो गाइस यार आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। आज हमने रेड हिल की गाड़ियां चलाई उसमें से एक बाइक हमें मिल चुकी है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन और फॉलो कर लो, वहां पे बैठ के मस्त मस्त बातें करेंगे। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।